सो गाइस हम लोगों ने फूड एंजॉय कर लिया है और खा के अपना खा लिया कि वो तो बैठ ही गई है मैडम। फूड इज गाइस वो ने देखिए कितना बड़ा बॉक्स आ गया है हमारे पास, इतना बड़ा बॉक्स में हम लेके जा रहे हैं, अब घर पे भी ये नहीं खाएंगे। मेरे सामने है और हमने इसका गिफ्ट भी ले लिया है मेरे पीछे ना, तो स्वीट एंड हम्बल। और फिलहाल अभी इन दोनों को लेके जा रही हूँ मैं वॉशरूम, थोड़ा सा वॉशरूम में इन दोनों को फ्रेश कराती हूँ, उसके बाद हम चलते हैं बाहर निकलते हैं और बाहर का देखेंगे। गाइस वेदर इतना चेंज है, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो फिलहाल दोनों चली गई हैं। चली गई है दोबारा से टॉयज को देखने के लिए और दोनों की शॉपिंग बैग दोनों के हाथों में है। ये मेरे से ज्यादा बड़ी शॉपर बन चुकी है। दे आर वॉचिंग ओनली। ये सिंड्रेला लग रही है मुझे, ये देख कैसे बैठी है। एरियल, सॉरी मुझे तो कैरेक्टर्स के नाम भी नहीं पता। कोई इसको देखो जरा, इसके दांत देखो गाइस, ये देखिए कैरेक्टर इतने सारे हैं, ये वाले मेरे को बनाना है। कितने सारे कैरेक्टर्स हैं, ओ माय गॉड। ये देखो ही मैन है, कौन सा मैन है ये वाला, स्पाइडरमैन। ये इसकी तो मुंडी नहीं, वो अंदर है। एक की मुंडी नहीं है क्योंकि वो अंदर है। कैन यू इमेजिन, मिश्का मुझे कह रही है अब सीधा घर चलो, घर जाके मुझसे सबर नहीं हो रहा है, मुझे इसको अनबॉक्स करना है। और एक ये कह रही है घर चलो, क्या करना है, क्या करना है। गाइस बाहर आ चुके हैं हम लोग और लाइटनिंग में ना इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा है। ताशु इधर खड़े हो, दोनों दोनों इधर खड़े हो। सो गाइस थोड़ी देर पकड़ने के बाद मुझे थमा दिया इन दोनों ने, इन दोनों की ना बस इसी चीज से मैं बहुत हूँ। और बाहर ना वेदर बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत ही ज्यादा सुहाना हो रहा है, मैं क्या बताऊँ। हम जा रहे हैं सेलेक्ट सिटी की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि वहाँ ना लाइटनिंग बहुत अच्छी है और यहाँ भी है लाइटनिंग अच्छी, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ये दोनों अपने खेल में मस्त हो रही है, मिश्का तो अपनी कैट को छोड़ ही नहीं रही गाइस। और यहाँ से चलो, यहाँ से एग्जिट लिए लगती और बस चल रहे हैं। और थोड़ा सा आपको नजारा दोबारा से सेलेक्ट करने का दिखाते हैं, उसके बाद दोबारा पता नहीं कब आना है। कहाँ से तो गाइस इन दोनों को कसर रह गई थी यहाँ पर इस राइड की, तो अब दोनों की दोनों राइड कर रही हैं बैठे बैठे। पर मैं इनको नेचुरल में बुलाने वाली नहीं हूँ, बस ये अपना ये है कि अपना मन वो कर सकती हूँ, एंजॉय कर सकती हूँ, फील ले सकती हूँ, बट असली में नहीं। ओके मिशू, मिशू ओके नहीं बेटा, इसका चार्ज ही तो खत्म होगी ना, अब नेक्स्ट ड्राइव करेंगे हम, अभी नहीं करेंगे ठीक है। ओके मिशू नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो गाइस आज रश ज्यादा नहीं है मॉल में, मॉल में ज्यादा तो नहीं है लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। इन दोनों को अपना थोड़ा सा मन बहलाने देते हैं, और ये मन बहलाने अपना नेचुरल में तो नहीं करने दूंगी इनको अब, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा थक गई हूँ इनके साथ में। एक क्यूट सी बच्ची ना काट चलाते हुए आ रही है, तो हम कर रहे हैं अब डैडी का वेट। बस डैडी का वेट करते हैं, मुझे वहाँ पे बेंच दिख रहा है तो मैं बेंच पर बैठ जाऊँ, तो इन दोनों को करने देती हूँ एंजॉय, फुल्ली एंजॉय ठीक है, तुम करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद आवर न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग, आई होप यू ऑल आर वेल फिट एंड फाइन। सो गाइस डे की शुरुआत हो चुकी है और विंटर्स की तो शुरुआत कब से ही हो चुकी है, तो मैं सोच रही थी चलो व्लॉगिंग की भी स्टार्टिंग कर देते हैं।
जोक्स अपार्ट, मैं सुबह सुबह किडिंग मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सो दिन की शुरुआत हो चुकी है, दो दिन से थोड़ी थोड़ी धूप चमकनी शुरू हो गई है, जब से लोहड़ी का त्यौहार गया है, संक्रांत गई है, और तब से ना बस थोड़ा थोड़ा धूप दिखाई दे रही है। तो धूप में हम लोग जाके ना थोड़ी देर ऊपर छत पे बैठ जाते हैं और सुबह सुबह की धूप सेक आते हैं, फिर अपने एज यूजुअल जैसे काम करने होते हैं, वैसे ही काम करना शुरू कर रहे हैं। और अब तो स्कूल भी खुल गए हैं बच्चों के, बट टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो उसी हिसाब से शेड्यूल भी थोड़ा चेंज हो गया है। सो व्लॉगिंग की शुरुआत आज मैं सारा काम डन करके ना तभी से स्टार्ट कर रही हूँ गाइस। और अभी फिलहाल जल्दी जल्दी मैंने बस आज इतने सारे कपड़े थे, सारे कपड़े धोए हैं और बेडशीट चेंज की। जिस दिन बेडशीट चेंज करती हूँ ना, उस दिन पूरा सेट, पूरा बेड को ना पूरी तरह से सेट करना पड़ता है, रीसेट करना पड़ता है। उसके जो नीचे के जो गद्दे हैं और फिर जो उसके ऊपर कवर है, फिर उसके ऊपर कवर है, सो तीन लेयर मैंने बेड की बेडशीट के नीचे जो बिछाई हुई हैं, तो उनको अच्छे से झाड़ के थोड़ा सा धूप लगा के फिर उसके बाद करती हूँ, और फिर पिलोज को अच्छे से रिसेट करती हूँ, और जिनके कवर गंदे होते हैं उनको फटाफट चेंज करती हूँ। तो बहुत छोटे छोटे माइनर माइनर काम होते हैं जिनमें टाइम ऐसे बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। सो फिलहाल सारा काम डन हो गया है, मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया है, और आज डैडी ने हम लोगों को नाश्ते में ना गर्मा गर्म छोले भटूरे खिला दिए थे। उन्होंने तो नहीं खाए, उन्होंने तो सब्जी और रोटी ही खाई, पर हम लोगों ने आज ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे खाए। तो मेरी शाम की छुट्टी हो चुकी है, मेरे को लेकर नहीं आने हैं, और फिलहाल मैं जा रही थी जल्दी जल्दी अपना सारा काम डन करके ना, तनिष्का मिश्का को ट्यूशन छोड़ दिया है, मैं जा रही हूँ मार्केट, मार्केट से कुछ लेके आना है, और साथ में वो पराठों का जो बैटर होता है ना, हरा साग जो होता है ना, वो कटवा के लेके आना है, क्योंकि कल से फिर पराठे शुरू करने हैं। जब तक अभी सर्दियां नहीं है, अभी थोड़े दिन और हैं, तब तक गर्मा गर्म बथुए मेथी और पालक के पराठे खा लेते हैं, उसके बाद अच्छे नहीं लगेंगे, और ये ऑफ सीजन हो जाएंगे तब अच्छे भी नहीं लगते, पालक तो आता है पर अच्छे नहीं लगेंगे। सो पालक के तो हमेशा अच्छे लगते हैं, पर जो बथुआ है वो सर्दियों में ही गर्म गर्म होता है। कोई आ गया, मैं आप मिलती हूँ आपसे ब्रेक के बाद। सो गाइस गेट पर ना कोई आ गया था तो इसीलिए, और फिलहाल मैं कह रही थी कि कंटिन्यू करेंगे व्लॉग को, मैं बस जल्दी से झट से मार्केट से आ जाती हूँ, ज़रूरी सामान है एक दो जो लेकर आने हैं, और थोड़ी विंडो शॉपिंग भी हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं, और फिर मिलती हूँ मैं आपसे ब्रेक के बाद। टाटा। हे गाइस, सो मैं आ गई हूँ यहाँ पे घर पे, और मैं जो मार्केट से खरीद के लाई हूँ, बहुत ही एक दो चीज़ें ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है अपने लिए जो लेके आई हूँ, बहुत ही अच्छी है, और कहते हैं ना मौके पे चौका मारना, बस वही हो गया है कि मुझे मिल गई हैं उस रीजनेबल प्राइस में। सो वो मैं दिखाऊंगी आपको कल के व्लॉग में, अभी फिलहाल मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और साथ में खा रही हूँ वाई वाई जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये आशु के डैडी के फ्रेंड ने हमें दी थी, जो दार्जिलिंग से आई हुई है, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। यहाँ की वो टेस्ट नहीं है जैसा वहाँ का, बिल्कुल चाइनीज़ टेस्ट की तरह है, बिल्कुल चाइनीज़ टेस्ट आ रहा है इसके अंदर। और तनिष्का मिश्का भी ना यही इन्जॉय करी, आपको दिखाती हूँ, आ जाइए मेरे साथ, दोनों की दोनों ना मूवी नाइट करने में लग रही है गाइस, मूवी नाइट, मूवी नाइट। गाइस ये देखिए, हाय गाइस, व्हाट आर यू डूइंग? What are you doing, Mishu? Fine. What are you doing? I'm fine. I am eating. Why, why? ऐसे बोलो। आज तो बेडशीट गाइस, आज मैंने ही नई बेडशीट बिछा ली है, और नई बेडशीट पे दोनों की दोनों देखिए, दोनों के ना कलर सेम हो रहे हैं, मैचिंग आउटफिट और बेडशीट का मैचिंग मैचिंग हो रहे हैं, क्यूट लग रही है दोनों, क्यूट। कैसे लग रही है वाई वाई? गाइज ये इसमें खा रही है वाई वाई, वो अपना अलग टिफिन लेके बैठी हुई है, ये अपना अलग टिफिन लेके बैठी हुई है, मैं अपने अलग खा रही हूँ। टेस्टी है ना? मैंने भी दूसरा पैकेट भी खोल लिया। चलो चाय बना के ला लूँ, पिएगी थोड़ी सी मसाले वाली चाय। इस लड़की की माँ बोल रही है कि अयोध्या जाएंगे, लेकिन ये लड़की बहुत गुस्सा कर रही है मम्मी पे कि नई इनविटेशन मिले, उसकी माँ बोल रही है कि गाइज यहाँ पे ना दोनों इंजॉय कर रही है, कोई नए व्लॉग, रोज नए व्लॉग आ जाते हैं इनके, मैं पुराने पुराने व्लॉग में इंटरेस्टेड हूँ, ये नए नए व्लॉग में इंटरेस्टेड हूँ। तो चलिए इन दोनों को देखने देते हैं, और मैं जल्दी से चाय मेरी तैयार हो गई है, यहाँ पे मेरी बन के रेडी हो चुकी है। सुबह जो आलू प्याज की सब्जी थी वो सब्जी रखी हुई है, तो मैंने ना यहाँ पे चावल सोख करके रख दिए हैं, तो चावल बनाने वाली हूँ, क्योंकि आज रखे हुए हैं जो हमने छोले भटूरे खाए थे वो, ये रस रखे हुए हैं, सो वही खाने वाले हैं। इस इडली का पता नहीं कब टाइम आएगा, इसमें से थोड़े से डोका एक दो बना लिए थे, बाकी ये रखा ही हुआ है। और गाइस ये जो है ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, जो मैंने अपने
पुराने व्लॉग्स में भी बताया हुआ है। और आज ना तनिष्का मिश्का ना गाइस ये देखिए क्या बना रही थी मेरी एब्सेंस में, ये दोनों की दोनों पोहा बना रही थी। इसमें गर्म पानी मिलाना था, इन दोनों ने ठंडा पानी मिला दिया है, तो अभी इसको भी ठीक करना है मुझे। बट ये सुबह के ब्रेकफास्ट में खाएंगे, अभी सर्दी में चीजें जल्दी खराब नहीं होती हैं, तो इसको मैं एज इट इज रखने वाली हूँ। अभी फिलहाल खाऊंगी ये, बाय बाय मेरी फेवरेट। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी ब्रेक के बाद, बाय।